नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, 6 अगस्त को होगी वोटिंग। होटल रेस्टोरेंट ग्राहकों से नहीं वसूल करते सर्विस चार्ज, सेंट्रल एजेंसी ने लगाई रोक, हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कर सकते हैं शिकायत। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम कलाकारों का नाटक रोका, मंच पर चढ़कर भारत माता की जय के नारे लगाए। मध्य प्रदेश में पत्नी के कंधे पर बैठकर जुलूस निकाला, अफेयर की सजा, देवास में बॉयफ्रेंड के घर मिली बीवी, टूट पड़ा पति। महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में गूंजे ईडी ईडी के नारे, फडणवीस सदन में बोले हां अब ईडी सरकार एकनाथ और देवेंद्र ने बनाई है। असदुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए होता पेट्रोल, महंगाई के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार। विश्वास मत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर किया अटैक, कहा किसी ने हमें कहा था बैल। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को दी चुनौती, बोले रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं बनने का ले संकल्प। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, मंडी के एक घर में घुसा ट्रक, 3 की मौत, 1 घायल। अंडमान और निकोबार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। ममता बनर्जी बोली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जरूरी, कहा आप आग से नहीं खेल सकते, ये पूरा विवाद लोगों को बांटने की साजिश। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, विजयवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर के सामने छोड़े काले गुब्बारे, 3 गिरफ्तार। इंडिगो फ्लाइट से नहीं मिला छात्रा का लगेज, सिंधिया ने हॉस्टल के गेट तक पहुंचाया, लड़की ने ट्विटर में टैग कर की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ में महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी, दुष्कर्म कर गुप्तांग में डाल दिया तवे का मूंछ, छाती गले की हड्डी टूटी, फेफड़े फटने से मौत। मूसेवाला की हत्या के बाद हथियारों ने मनाया था जश्न, पांचों गैंगस्टर कार में 15 हथियार लहरा रहे थे। कानपुर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, देर रात 3 नकाबपोश हथियारों ने की पति पत्नी की हत्या, बहू का कोर्ट में चल रहा केस। एटा में 2 रोडवेज बसों की भीषण टक्कर, 1 बस के ड्राइवर की मौत, 14 यात्री घायल, 8 हायर सेंटर रेफर। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बुलंदशहर से हापुड़ लेकर आए थे आरोपी, धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव। कौशाम्बी में 1 लाश, 2 दावेदार, 19 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया शव, अब डीएनए रिपोर्ट बताएगी सूरज था या रमजान। वाराणसी लखनऊ एनएच पर
ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक का सिर फटने से मौत, दूसरे को ट्रामा सेंटर रेफर किया। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा, प्राइवेट बस ने बाइक में मारी टक्कर, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। जूते में स्मैक छुपाकर तस्करी, उत्तराखंड स्मैक लेकर जा रहे तस्कर को भमोरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। विरोध प्रदर्शन करने पर 41 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, अंबेडकर नगर में युवक की हत्या पर केस न दर्ज होने पर आक्रोशित थे ग्रामीण। नए एसपी ने पहले विंध्याचल में किए दर्शन, फिर बैठक, इंजीनियर से एसपी बने संतोष कुमार मिश्र ने मिर्जापुर का चार्ज संभाला। इटावा में प्रशासन ने बंद की मदद, स्कूल ने काट दिया नाम, परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के बाद अनाथ हो गई थी चार बेटियां। एक केस पर गैंगस्टर एक्ट लागू करना सही नहीं हाई कोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, राज्य सरकार से जवाब तलब। महोबा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, एक डॉक्टर के भरोसे ओपीडी, नदारद रहे डॉक्टर, बिना इलाज लौटे मरीज। गोरखपुर के नए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने संभाला चार्ज, बोले अपराधियों में खौफ और पीड़ित को न्याय दिलाना प्राथमिकता। अलीगढ़ में पानी के लिए सड़क पर लगाया जाम, सासनी गेट क्षेत्र के खाई डोरा में खाली बाल्टी लेकर किया प्रदर्शन। सोनभद्र में महिला ने दो बच्चों के साथ किया सुसाइड, बच्चों को लेकर मालगाड़ी के सामने कूदी, तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम। जौनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 8.50 लाख रुपए की गाड़ी हुई जब्त, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। गोंडा में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, प्रलोभन और भय दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बनाते थे दबाव। देवियों के पोस्टर पर चिकन बेच रहा था गिरफ्तार, मुर्गा खरीदने गए हिंदू युवक ने किया विरोध, दुकानदार ने कहा अपना काम करो। मैंगो फेस्टिवल में दिखा अजब गजब आम, पपीता जैसा आम देखकर सीएम योगी बोले ये मीठा होता है या नहीं। मंत्री मन्नू कोरी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, बोले विकास के साथ कानून व्यवस्था ठीक रखे अफसर। लखनऊ में 4 महीने बाद कोरोना से मौत, सिविल अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर ने केजीएमयू में इलाज के दौरान दम तोड़ा। जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा, फोर लेन बाईपास पर फतुपुर गांव के पास ट्रक और पिकअप की टक्कर, 3 की मौत। अग्निपथ के विरोध में जयंत का तंज, कहा सरकार मजबूर है या किसी के हाथ में चली गई है, ये मांग भी रखी। लखनऊ से हाजी वसी को पुलिस ने किया अरेस्ट, कानपुर हिंसा में फंडिंग का है आरोपी। फतेहपुर में नोडल अधिकारी ने की गंगा आरती, लोगों को घाट पर साफ सफाई रखने के लिए दिलाई शपथ।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए ट्रांसफर पर मंत्री बृजेश पाठक ने उठाए सवाल, कहा नियमों का पालन नहीं हुआ। प्रयाग में बड़े हनुमान जी मंदिर के पास पंबाजी पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने जान से मारने का लगाया आरोप, चार नामजद समेत छह अज्ञात पर एफआईआर। आगरा में युवक को हाथ पैर बांधकर पीटने का वीडियो आया सामने, चोर समझकर पीटा, पहले पुलिस देखकर चली गई फिर दोबारा आकर पकड़ा। गोरखपुर में रिटायर्ड फौजी को मारी गोली, जमीनी विवाद की, कोर्ट से तारीख देख लौट रहे थे फौजी, विरोधी ने पीछे से मार दी गोली। फतेहपुर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, टूरिस्ट वीजा पर भेज देता था बाहर, पैसा मांगने पर बम से मारने की धमकी। उत्तराखंड में निजी भूमि में खड़े पेड़ आसानी से काट सकेंगे, वृक्ष संरक्षण अधिनियम और वृक्षारोपण नीति में होगा बदलाव। उत्तराखंड के रुड़की में ट्रक की टक्कर से हाईवे पर पलटी पिकअप, हेमकुंड साहिब से दर्शन कर लौट रहे थे 12 श्रद्धालु घायल। केदारनाथ धाम में बीकेटीसी की लापरवाही आई सामने, वायरल हुआ केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो। मुख्यमंत्री धामी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहली बैठक। कांवड़ मेले के दौरान चलेगी स्पेशल ट्रेन, सहारनपुर दिल्ली की कई ट्रेनों के रूट में भी विस्तार। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग व्यासी के पास खाई में गिरी स्कॉर्पियो, युवक की मौत, युवती समेत तीन घायल। हरीश प्रीतम का वॉक युद्ध, बीच बचाव करने उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, संयम बरतने की अपील की। चौदह जुलाई को गैरसैंण में सांकेतिक तालेबंदी करेंगे हरीश रावत, कहा मुद्दे को भूलने नहीं दूंगा। पूर्व आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने दी एक दिन के रिमांड की मंजूरी, नहीं दिए थे सवालों के जवाब। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकोर्ट से राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका से राव का नाम हटाने का दिया निर्देश। बीजेपी विधायकों को नहीं पसंद सरकार का पीपीपी मोड का सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को जताई आपत्ति। NH74 सितारगंज रोड पर छात्रों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, चार बच्चे घायल। डॉगी बेचने के नाम पर 66 लाख रुपयों की ठगी, एसटीएफ ने विदेशी को किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर मकान की छत पर गिरा कैंटर, एक की मौत, क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड में अगले चार दिन जमकर बरसेंगे मेघ, प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लिसिचांस पर कब्जे के बाद पुतिन ने सैनिकों को बधाई दी, जेलेंस्की बोले इस शहर को हम रूसी कब्जे से आजाद कराएंगे।
चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के तट पर चावा तूफान की चपेट में आने से डूब गई थी क्रेन, 12 लोग के शव हुए बरामद। विवादित कार्यक्रमों में शामिल हुए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सिख जवान, खालिस्तान से जुड़ रहा नाम। मरियम नवाज का इमरान खान पर हमला, कहा पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला पीटीआई के कार्यकाल में हुआ। शिकागो फायरिंग पर राष्ट्रपति बाइडेन ने जताया दुख, बोले बंदूक हिंसा की महामारी के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। अमेरिका की फ्रीडम डे परेड में फायरिंग, शिकागो में हमलावर ने बिल्डिंग की छत से अंधाधुंध गोलियां बरसाई, 6 की मौत, 31 घायल। श्रीलंका में बिगड़े हालात, लोग बच्चों को दोपहर 12 बजे तक सुला रहे ताकि नाश्ता न देना पड़े, 5 गुना दाम पर बिक रहा पेट्रोल। ड्रग एडिक्ट है इमरान खान, पाक मंत्री बोले कोकीन के बगैर वो 2 घंटे नहीं रह सकते, हमें मालूम है उनके घर नशा कौन पहुंचाता है। ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश के चलते सिडनी के 32,000 लोग संकट में, घर छोड़ने को कहा गया। पाकिस्तान में सियासी खींचतान के बीच जनरल बाजवा की नसीहत, बोले राजनीति से दूर रहे सेना के अधिकारी और कमांडर। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक का किया शुभारंभ, बोले ऑनलाइन होकर भारत ने राशन के लिए लगने वाली लाइनों का समाधान किया। दो महीने के हाई पर पहुंचा सोना, 52,000 रुपए के पार निकला, आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है तेजी। IRCTC ने बदला टिकट बुकिंग का नियम, अब एक अकाउंट से बुक करा सकते हैं 24 टिकट। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान, कहा सुधार में तेजी नहीं लाई गई तो धीमी पड़ सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर GST से बढ़ेगी महंगाई, कैंट ने कहा बढ़ेगा बोझ, छोटी कंपनियों को नुकसान होगा। क्रिप्टो बाजार पर मंदी की मार, बिटकॉइन 20,000 अमेरिकी डॉलर के नीचे, इथेरियम भी आधा फीसदी टूटा। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब कोई भी होटल और रेस्टोरेंट बिल में अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकेगा सर्विस चार्ज। अमेरिकी नागरिकों से 3 महीने के अंदर हुआ 15 अरब का क्रिप्टो स्कैम, रोमांस स्कैम में गवाए $185 मिलियन। जेंडर डाइवर्सिटी के सपोर्ट में NFT सीरीज रिलीज करेगी कोका कोला, दक्षिण अफ्रीका के मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया गया डिजाइन। ब्रिटेन की आर्मी के ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट बने हैकर्स का निशाना, ट्विटर अकाउंट पर लगभग 3,62,000 फॉलोअर्स हैं। मैदान पर फिर बेकाबू हुए विराट कोहली, पहले लीज को उकसाया फिर आउट होने के बाद किया जबरदस्त सेलिब्रेशन। पीवी सिंधु ने किया ट्रेडिंग गाने पर डांस, सोशल मीडिया पर वायरल महिला क्रिकेट खिलाड़ी की थिरक चुकी है।
श्रीलंका बल्लेबाज टहल रही थी, यष्टिका ने किया जादुई रन आउट, फैंस को याद आए 30 साल पहले के मौरे। सानिया मिर्जा ने आखिरी विंबलडन को बनाया यादगार, पहली बार मिक्स्ड डबल के सेमीफाइनल में आई नजर। पीसीबी चीफ रमीज राजा सुरक्षा खतरे के कारण इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ वाहन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इंग्लैंड जीत से 119 रन दूर, पांचवें टेस्ट में इतिहास रचने के करीब, इंग्लिश टीम भारत के खिलाफ तोड़ सकती है 45 साल पुराना रिकॉर्ड। रूट बेयरस्टो ने बिगाड़ा भारत का खेल, दोनों के बीच हुई 150 रन की साझेदारी, पांचवें दिन जीत के लिए चाहिए सिर्फ 119 रन। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी, टीम इंडिया का सीजन पर कब्जा। बाल बल बचे शार्दुल ठाकुर, मैथ्यू पॉट्स के बाउंसर से हेलमेट टूटा, 10 मिनट रुका रहा मैच, 6 गेंद बाद पॉइंट्स का शिकार बने। विंबलडन के सेंटर कोर्ट की 100वीं सालगिरह पर पहुंचे फेडरर, बोले एक और बार विंबलडन खेलना चाहते हैं, एक साल से टेनिस से दूर है रोजर। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने दर्ज किया मामला। कियारा आडवाणी ने क्रेजी फैन का किया खुलासा, कियारा से मिलने के लिए फैन ने सारे हदें पार की, एक्ट्रेस देखकर डर गई। डार्लिंग्स का टीजर हुआ रिलीज, आलिया भट्ट ने सुनाई मेंढक और बिच्छू की दिलचस्प कहानी, 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी फिल्म। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पर अक्षय कुमार का रिएक्शन, बोले मैं फिल्में बनाकर बहुत खुश हूं और सोशल इश्यूज को उठाने की हमेशा कोशिश करता हूं। गॉडफादर का फर्स्ट लुक आउट, चिरंजीवी स्टार फिल्म में सलमान खान आएंगे नजर, इस साल दशहरे पर रिलीज होगी गॉडफादर। नहीं रहे फ्रेंच में महाभारत बनाने वाले डायरेक्टर पीटर ब्रुक का 97 साल की उम्र में निधन, पिछले साल मिला था पद्मश्री अवार्ड। रजनीकांत ने की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की तारीफ, बोले ऐसी बेहतरीन फिल्म देने के लिए आर माधवन को धन्यवाद। गिरफ्तारी पर बोली केत की चीतले, पुलिस हिरासत में मेरे ऊपर अंडे फेंके गए, मेरे साथ छेड़छाड़ की गई, मैं सलाखों के पीछे बिना किसी वजह के थी। विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज टू पर विवाद, शिया समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप, मेकर्स ने मांगी माफी। कॉन्सर्ट में दीपिका रणबीर ने मचाया धमाल, शंकर महादेवन के US कॉन्सर्ट में रणबीर सिंह दीपिका पादुकोण ने किया डांस। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।